मेरा नाम है सौरभ भट्ट, थर्ड ऑफिसर ऑफ अ फॉरेन गोइंग शिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एट द मैरीटाइम एकेडमी मोरनी हिल्स। और मैं हूँ आपका सलाहकार हिंदी में। आज का प्रश्न है कि जब पहली बार शिप ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या सामान ले जाना है, क्या क्या सामान नहीं ले जाना और क्या क्या तैयारियाँ करके रखनी है। तो सबसे पहली बात, जब आप जहाज़ पहली बार ज्वाइन करते हैं तो हो सकता है जहाज़ आपका भारत में ना हो, विदेश में हो, तो सबसे पहले तो आपको विदेश जाना होगा फ्लाइट में। अब फ्लाइट में जो आपका लगेज होता है उसकी कुछ लिमिटेशन होती है। आपका लगेज दो प्रकार का होता है, कुछ लगेज आप चेक इन करते हैं और कुछ लगेज आप कैबिन में रखते हैं, मतलब अपने हाथ में रखते हैं। उसे जो हाथ में रखते हैं हैंड बैग उसे बोलते हैं कैबिन बैग, और जो सामान आप कार्गो में चेक इन कर रहे हैं उसको कहते हैं चेक इन लगेज। अब इन दोनों की अपनी लिमिटेशन है। अगर आपकी फ़्लाइट इंटरनेशनल है तो जो चेक इन लगेज है वो उसकी लिमिटेशन होती है 20 से 30 किलो के आसपास, और जो आपका हैंड बैग कैबिन बैग होता है उसकी लिमिटेशन होती है 7 किलो के आसपास, इससे ज़्यादा वज़न आप नहीं ले जा सकते। अगर आपकी फ़्लाइट डोमेस्टिक है तो जो आप चेक इन कर रहे हैं कार्गो में उसकी लिमिटेशन है 15 किलो के आसपास, और यदि आपका पास हैंड बैग है तो उसकी लिमिटेशन होती है कुछ 5-6 किलो के आसपास। अब अलग अलग फ्लाइट्स की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, लेकिन इसी के आसपास का वज़न सभी में होता है। इसलिए आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि कम से कम सामान ले जाएं, कम से कम सामान, क्योंकि अभी आप शिप ज्वाइन करेंगे, विदेश भी घूमेंगे, एयरपोर्ट से भी शॉपिंग करेंगे और ड्यूटी फ्री से भी शॉपिंग करेंगे, तो आते हुए साइन ऑफ करते हुए आपका लगेज और भारी हो जाएगा। तो क्या क्या सामान ले जाया जाए? सबसे पहले आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाने हैं, इसे अपने लगेज में आप रखें। अब इसकी सभी की आप फोटो कॉपीज बना के रखें घर पे, इनको स्कैन करके भी रखें, और जो फोटो है स्कैन कॉपीज़ की उसे आप अपने क्लाउड पे डालिए, अपने ईमेल पे डाल के रखिए, ताकि बाय चांस अगर ट्रैवलिंग के दौरान आपकी ओरिजिनल्स इधर उधर हो भी जाएं तो आपके पास बैकअप है। ये सबसे ज़रूरी है। अब कपड़ों की बात करते हैं। यूनिफॉर्म ले जाइए अपनी, कम से कम दो पेयर ले जाइए, दो शर्ट्स ले जाइए, दो पैंट्स ले जाइए, बेल्ट ले जाइए, एप्लेट्स ले जाइए, स्वेटर ले जाइए, हैंड ग्लव्स भी ले जाइए, कुछ पता नहीं कैसा मौसम होगा। और पी कैप की ज़रूरत नहीं है, नेम टैली की ज़रूरत नहीं है, टाई की ज़रूरत नहीं है। अब आप कपड़े ले जा रहे हैं तो सुई धागे ज़रूर ले जाइए, शिप पे शायद मिले शायद ना मिले। फॉर्मल शूज़ आपके होने चाहिए, वो एक पेयर ले जाइए कम से कम। इनर्स अपने ज़्यादा से ज़्यादा ले जाइए। वेस्ट एंड अंडरवेयर आप कम से कम 6-7 पेयर तो लेके ही जाइए, सॉक्स भी 6-7, 7-8 पेयर लेके जाइए, क्योंकि मेहनत वाला काम है, पसीना ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, इसलिए इनर्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाइए। वॉर्म वेस्ट आप एक ले जाइए, एक लॉन्ग जॉन ले जाइए, वॉर्म वेस्ट गर्म बनियान, लॉन्ग जॉन गर्म पजामी, एक सेट ज़रूर लेके जाइए इसका, क्योंकि कुछ पता नहीं कैसा मौसम मिले, हो सकता है एक दिन गर्मी और अगले दिन ही ठंड हो जाए। वैसे कंपनीज़ जो अच्छी होती हैं, अगर वो ये इस बात का ध्यान रखती हैं कि अगर आप ठंडे इलाके में जा रहे हो तो आपको विंटर के कपड़े वो प्रोवाइड करें, पर कंपनी के भरोसे मत रहिए, आप अपनी तैयारी पूरी करके रखिए। और यूनिफॉर्म पहननी कब होती है? देखिए, यूनिफॉर्म सिर्फ दो टाइम ही पहननी होती है, जब आप मेस रूम में जा रहे हैं खाना खाने उस टाइम, और जब आप ब्रिज वॉच कर रहे हैं सिर्फ उस टाइम। बाकी डेक पे हैं तो आप बॉयलर सूट पहनेंगे, सेफ्टी शूज़ पहनेंगे, और वो सब तो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। कैजुअल्स आप ले जाते हैं केवल दो सेट ले जाइए, दो पेयर ले जाइए, दो ही काफ़ी है। कैजुअल्स आप पहनेंगे ही कब? साइन ऑन के टाइम, ज्वाइनिंग के टाइम, साइन ऑफ के टाइम जब वापस घर जा रहे हैं, और अगर बीच में घूमने का मौका मिलता है तब। जैकेट ज़रूर रखिए कैजुअल वाली, एक स्पोर्ट्स शूज़ रखिए, बाथरूम स्लीपर ज़रूर रखिए एक पेयर, सैंडल्स का एक पेयर ज़रूर रखिए, और क्योंकि यूनिफॉर्म में फॉर्मल शूज़ हैं तो शू पॉलिश और ब्रश वो ज़रूर रखिए। अब बात करते हैं
ग्रूमिंग की, शेविंग किट अपनी साथ रखिए, उस तरह अगर आपके पास है उस तरह मत रखिए, एयरपोर्ट पे उस तरह अलाउड नहीं है, या तो सेफ्टी रेजर रखिए या आप ट्रिमर रखिए। कॉस्मेटिक्स अपने साथ में रखिए, जो जो यूज़ करते हैं, क्रीम, हेयर ऑयल, बॉडी लोशन, बॉडी ऑयल, डिओड्रेंट, जो भी आप यूज़ करते हैं वो साथ में रखिए। टूथब्रश, टूथपेस्ट अपना साथ में ले जाइए। साबुन ले जाने की ज़रूरत नहीं है, साबुन आपको शिप से मिलता है। वॉशिंग पाउडर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको शिप से मिलता है। बेडशीट ले जाने की ज़रूरत नहीं है, शिप से मिलती है। कंबल ले जाने की ज़रूरत नहीं, शिप से मिलती है। और मैं देखता हूँ मैं क्या मिस कर रहा हूँ। नेल कटर आप साथ में रखिए, ट्वीजर्स, हेयर प्लकर अगर आप इस्तेमाल करते हैं ये साथ में रखिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर लैपटॉप आपके पास है तो साथ में ज़रूर रखिए, लैपटॉप बहुत काम आता है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट शिप पे मूवीज़, सीजन्स, ये सबसे ज़्यादा होते हैं, तो लैपटॉप अगर है तो लेके जाइए। और शिप पे आप जाएंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे, आपके जो शिपमेट्स हैं उनके पास पहले से इतनी सारी मूवीज़ होंगी, तो अगर आपके पास हार्ड डिस्क है हार्ड डिस्क भी साथ ले जाइए, आपके पास इतनी सारी कलेक्शन बन जाएगी मूवीज़ और सीजन्स की, ये ज़रूर ले जाइए। एक चीज़ खरीदिए ज़रूर, मल्टीपोर्ट अडैप्टर। मल्टीपोर्ट अडैप्टर क्या है? जैसा आपने अपना प्लग सॉकेट देखा है, जैसा इंडिया में, भारत में, घर पे हमें जैसा दिखाई दे रहा है, ज़रूरी नहीं शिप पे भी वैसा ही होगा। इसलिए मल्टीपोर्ट अडैप्टर ज़रूर खरीदिए, ये दुकानों से भी मिल जाता है और ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं। पैसे ज़्यादा मत ले जाइए, पैसे सिर्फ आप $100 ले जाइए, नगद इतना ही बहुत है। ये किस लिए ले जा रहे हैं पैसे? अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है, फ़्लाइट छूट गई या एजेंट आपको पिक करने ही नहीं आया, शिप तक नहीं पहुँचे, कुछ प्रॉब्लम आ गई, सिर्फ उसके लिए ये पैसे हैं। बाकी अगर बाहर जाना होगा, शॉपिंग करनी होगी, उसके लिए तो पैसे आप ऑन बोर्ड ले सकते हैं अपनी सैलरी में से। इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ज़रूर अपने पास रखिए। अब आप मर्चेंट नेवी आपने ज्वाइन की है, NRE अकाउंट तो होगा ही, अगर नहीं है तो खुलवा लीजिए। अगर NRE अकाउंट है तो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड ज़रूर होगा, वो अपने पास रखिए। मोबाइल आपके पास ज़रूर होगा, इंटरनेशनल सिम खरीदिए, वो अपने पास रखिए। कोई भी देखिए कीमती सामान कुछ मत रखिए, सोने की चेन, अंगूठियाँ, घड़ियाँ, जो कि एक्सपेंसिव वॉचेस, ज़्यादा महंगी घड़ियाँ आप मत रखें। घड़ी शिप में इम्पॉर्टेंट है, आप एक सस्ते वाले डिजिटल जो 9-10 महीने चल जाए वो ज़रूर रखें। घड़ी होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन भर हम डेस्क पे काम करते हैं, अब लंच के लिए भी जाना है, ब्रेक टाइम भी हमारा होता है जिसमें हम चाय पीते हैं या कुछ खा लेते हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा अब लंच टाइम है या ब्रेक टाइम है? हो सकता है हम दो ही बंदे हों फॉरवर्ड में काम कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? ना ही कोई बुलाने वाला है, ना कोई परवाह करता है हमारी। इसलिए वॉच ज़रूर रखिए, सस्ती हो, डिजिटल वाली हो, 9-10 महीने चल जाए बस। मैंने आपको बोला ओरिजिनल सारे अपने पास रखने हैं आपने। अब कुछ चीज़ें हैं जो आप चेक इन मत कर देना, वो अपने पास ही रखो, या तो जेब में या अपने हैंड बैग में। क्या क्या? पासपोर्ट आपका अपने पास होना चाहिए, CDC अपने पास होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, OK to Board लेटर, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इमिग्रेशन के टाइम में ये सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी, कहीं गलती से आपने चेक इन वाले बैग में डाल दिया, समस्या हो जाएगी बहुत। जब आप कंपनी आप ज्वाइन करते हैं, शिप आप ज्वाइन करने वाले हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स आपको दिए जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्टैक्ट है DPA का, डेजिग्नेटेड पर्सन अशोर। कोई भी हमें प्रॉब्लम आती है, मिस हो गई फ़्लाइट, जो चेक इन किया था लगेज वो आया ही नहीं अभी तक, पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रहा, गुम हो गया, कुछ चोरी हो गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई, DPA को कॉन्टैक्ट कीजिए। तो ये DPA के कॉन्टैक्ट्स, कंपनी के कॉन्टैक्ट्स, और कंपनी अपने कॉन्टैक्ट्स भी और देती है कि कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो किसे कॉन्टैक्ट करें। ये मोबाइल में सेव करके रखिए, बुरे समय में इंटरनेशनल सिम के ज़रिए आप इन लोगों को कॉल कर सकते हैं।
काम आएगा। अब मैं देख लूँ मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा। लैपटॉप ले जाते हैं आप, मोबाइल ले जाते हैं, ईयरफोन्स तो ज़रूर ले जाइए। हो सकता है आप अपना बेड, अपना कैबिन जो है जहाँ पे आपका बेड होता है वो शेयरिंग वाला हो, एक कैबिन में दो लोग हों, और जिस टाइम आप मूवी देखना चाहते हो उस टाइम वो सो रहा है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कॉमन सेंस। तो आप ईयरफोन ज़रूर रखिए अपने पास। शिप में चोरी का बड़ा ख़तरा होता है, अपना ही क्रू अपने ही बंदों का सामान चोरी कर देता है, इसलिए ताला और चाबी ज़रूर साथ रखिए, बल्कि दो पेयर रखिए, दो ताले दो चाबी रखिए, बहुत काम आएंगे आपके। अब देखिए ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी थी जो पक्का ही पक्का ले जानी है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। एडिशनल चीज़ें हैं जो मैं आपको सलाह देता हूँ कि इन्हें भी ले जाइए, फ़ायदा होगा। सनग्लासेस 100% यूवी प्रोटेक्शन वाले, वो आप खरीदिए। रेबैन वगैरह मत खरीदिए, बहुत महंगे हैं, डीकैथलॉन से खरीदिए, सस्ते भी हैं और बहुत टिकाऊ। अब 100% यूवी चश्मों पर मैं इतना ज़ोर क्यों देता हूँ, क्योंकि जहाज़ पे जब आप काम कर रहे हैं सूर्य की किरणें बहुत तेज़ होती हैं और पानी इन किरणों को रिफ्लेक्ट भी करता है, तो आपका पूरा एनवायरनमेंट बहुत ही ब्राइट चकाचौंध वाला होता है। इससे आंखों पर स्ट्रेस भी पड़ता है और थकान भी ज़्यादा महसूस होती है। अगर 100% यूवी चश्मे पहने हुए हैं तो आपको थकान भी कम महसूस होगी और ये आंखों के लिए भी अच्छा है। हो सकता है ऑन बोर्ड शिप आपको वेल्डिंग करनी पड़ जाए। अब वेल्डिंग कर रहे हैं, फेस शील्ड तो आपके पास होगी एज अ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर क्या आपको लगता है वो फेस शील्ड 100% यूवी प्रोटेक्शन करती है? बिल्कुल नहीं करती है, इसलिए अपनी प्रोटेक्शन खुद ले जाइए। ये 100% यूवी चश्मे आपके बहुत काम आएंगे। अगर आप इंजन साइड से हैं या आप स्पेक्टिकल्स पहनते हैं तो एक स्पेयर पेयर ज़रूर ले जाइए, एक एडिशनल पेयर ज़रूर ले जाइए। बाय चांस काम करते हुए टूट जाएं चश्मे तो एक स्पेयर आपके स्टैंड बाय रहें, रेडी रहें। मेडिसिंस अगर आप कुछ यूज़ कर रहे हैं, साथ से जा रहे हैं, उसकी प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर होनी चाहिए आपके पास, नहीं तो हो सकता है कि किसी इमिग्रेशन के टाइम कहीं प्रॉब्लम आ जाए या किसी देश में जाते हैं वहाँ प्रॉब्लम आ जाए। जो आपका हैंड बैग है ना, जो आप कैबिन में ले जाते हैं, जो चेक इन करते हैं वो नहीं, जो हैंड बैग जो आपके कैबिन में रहेगा उसमें क्या क्या चीज़ें रखनी है ज़रूर। एक जैकेट रखिए, कुछ पता नहीं आज हम प्लेन में बैठे थे, गर्मी थी, प्लेन से उतरे इतनी ज़्यादा ठंड और जैकेट आपकी पड़ी है, चेक इन हो रखे लगेज में, ऐसा ना हो। हैंड बैग में जैकेट रखिए, मोबाइल चार्जर, पावर बैंक, पासपोर्ट, CDC, OK2 बोर्ड लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, डेबिट कार्ड, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, पावर बैंक, ये सारी चीज़ें चेक इन वाले में मत डाल देना, ठीक है? जो भी चीज़ें टूट सकती हैं, जो भी नाजुक चीज़ें हैं वो आप हैंड बैग में रखिए जो आपके कैबिन में रहेंगी। अब क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं ले जानी? पॉर्न बिल्कुल मत ले जाइए। कई कई देशों के अजीब अजीब से नियम होते हैं, खतरनाक नियम होते हैं, और पोर्नोग्राफिक मटेरियल कोई मत ले जाइए, मैगज़ीन कोई मत ले जाइए, एडल्ट मूवीज़ ना ही मोबाइल में रखिए, ना ही लैपटॉप में, ना ही हार्ड डिस्क में। बहुत रेयर केस होता है पर हो भी जाता है कि इमिग्रेशन के टाइम पर हार्ड डिस्क की चेकिंग हो रही है, मोबाइल की चेकिंग हो रही है और पोर्नो पकड़ी गई, समस्या हो जाती है। तो ऐसा जोखिम ही मत लें। और वैसे भी जब ऑन बोर्ड शिप आप जाएंगे ना तो वहाँ पे सभी के पास भरी भरी होती है पॉर्न, सबके पास होती है, तो आपकी कलेक्शन वैसे ही बहुत ज़्यादा वहाँ बढ़ जाएगी। अभी ट्रैवल के दौरान बिल्कुल मत रखें। ड्रग्स, नशीले पदार्थ किसी भी प्रकार के मत रखें, सिगरेट्स, ड्रिंक्स या चैनी खैनी, कूल लिप, तंबाकू, किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तु बिल्कुल मत रखें। कुछ पता नहीं कहाँ चेकिंग हो जाए और उस देश का क्या नियम हो, ऐसी चीज़ों में फंसे ना। अगर मोबाइल पे VPN है तो उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, अगर कहीं चेकिंग हो जाए तो हम फंस सकते हैं। ये बहुत रेयर केसेस होते हैं पर जब किस्मत ख़राब हो। ये सारी चीज़ें तो सामान है, क्या क्या सामान रखना है। अब इसके सिवा एक तैयारी जिसकी मैं आपको सलाह देता हूँ, वैक्सीनेशन सारी करवा के रखिए। पता नहीं किस समय कौन से देश जाना पड़ जाए और वहाँ पे क्या बीमारी चल रही हो। टेटनेस बूस्टर ज़रूर लगवाइए,
टेटनेस बूस्टर 25 रुपये का मिल जाता है और ये 6 महीने के लिए काम करता है शरीर में। आपको पता है ऑन बोर्ड शिप आपको काम करना है, स्टील है, पूरा शिप स्टील है। जो टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं वो लोहा है या फिर स्टील है, कहीं चोट लग जाए, लग ही जाती है अक्सर, तो टेटनस के खतरा ना बने आपको। इसलिए टेटनस बूस्टर ज़रूर लगवाइए। अगर अफ्रीका जैसे देशों में जा रहे हैं और बहुत सारे देशों में रिक्वायरमेंट होती है येलो फीवर वैक्सीनेशन, अगर आप ऐसी जगहों पे जा रहे हैं तो ये करवाइए, नहीं भी जा रहे पहले से करवा के रखिए, काम आएगी और ये सस्ती होती है। बहुत सारी कंपनी इसमें तो पहले से पॉलिसी है कि ये आपके पास होनी चाहिए तो ही आप आगे ऑन बोर्ड शिप जा सकते हैं। इसके सिवा कोलेरा का नाम सुना हुआ है आपने, इसकी भी वैक्सीनेशन आती है। बहुत सारी कंपनीज की रिक्वायरमेंट है कि ये आपके पास पहले से हो और ये सस्ती होती हैं, ये रखवा लीजिए। कंपनी की ना भी रिक्वायरमेंट हो तो भी इसे करवाइए, फ़ायदे में रहेंगे। अब मैं एक बार चेक कर रहा हूँ कि मैं कुछ मिस ना कर दूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इसके सिवा अगर और कोई आइटम है जो आपको लगता है ज़रूरी है ले जाएं या ना ले जाएं, कमेंट कीजिए। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी शक हो, कोई भी आपको सलाह चाहिए, कमेंट कीजिए। मैं हर एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मुझे आपसे हमदर्दी है। आप सेफ रहिए, खुश रहिए। सौरभ भट्ट, TMA आउट।